स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर, जहां सब कुछ फिल्मी है। तो दोस्तों, अगर आप वेब सीरीज देख देख के हो गए हैं बोर, तो एक बड़ी फिल्म आपका इंतजार कर रही है थिएटर में। ये आज रिलीज हो गई है, सत्यमेव जयते 2। आपको बता दें कि ये फिल्म आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यमेव जयते 2 का रिव्यू। दोस्तों, अगर अभी हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर जो वेब सीरीज आ रही हैं वो बहुत ही सेटल पैटर्न की एक्टिंग पर काम कर रही हैं, यानी कि समाज की जो बुराइयां हैं या क्राइम है उनको उठाकर सीरीज बनाई जाती है, या समाज से ही कोई स्टोरी उठा ली जाती है। हालांकि सत्यमेव जयते ने भी फिल्म से मैसेज दिया है, लेकिन आपको बता दें कि ये फुल एंटरटेनमेंट लार्जर देन लाइफ फिल्म है, जैसा कि आप 80s और 90s के दौर में देखते हैं। तो एक बार फिर से याद दिला देगी, जैसे अमिताभ बच्चन की या विनोद खन्ना की या शशि कपूर की फिल्में आती थी, इस तरीके की फिल्म आपको लगेगी सत्यमेव जयते 2। तो कभी कभी ऐसी फिल्में भी आना जरूरी होती हैं जो हमारी फैमिली के साथ में फुल एंटरटेनमेंट करती हैं। तो आपको बता दें कि सत्यमेव जयते 2 फुल मसाला फिल्म है। आपको एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही था कि फिल्म मसाले से भरपूर है, यानी कि एक्शन से भरपूर है। लेकिन सिर्फ फिल्म में एक्शन ही नहीं है, जो उसके डायरेक्टर हैं मिलाप मिलन जावेरी जी, उन्होंने इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा है कि आपको वो सारी चीज़ें परोसेंगे जो आप पहले की फिल्मों में देखते चले आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म का प्लॉट क्या है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सत्यमेव जयते नाम से ही पता लगता है कि ये फिल्म क्राइम के अगेंस्ट में होगी, क्योंकि इसका पहला पार्ट भी आ चुका था जो सत्यमेव जयते थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी, लोगों को बहुत पसंद भी आई थी, तभी मिलाप जावेरी इसका दूसरा पार्ट लेके आए। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन अब्राहम ओरिएंटेड फिल्म है, जो लोग इस तरीके की फिल्म्स देखना पसंद करते हैं लार्जर देन लाइफ, उनके लिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो फिल्म का जो प्लॉट है उसमें आपको बता दें कि ट्रिपल रोल में आपको दिखाई देंगे जॉन अब्राहम, यानी कि फादर भी जॉन अब्राहम है और उनके जो दोनों बेटे हैं वो भी जॉन अब्राहम हैं, और तीनों के तीनों क्राइम के अगेंस्ट में लड़ते हैं। अब फिल्म की स्टोरी मैं ज़्यादा इसलिए डिफाइन नहीं करूँगा, काफ़ी लंबे समय के बाद कोरोना के बाद हम ये फिल्म देखने जा रहे हैं थिएटर में, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी डिफाइन नहीं करूँगा ज़्यादा। इतना तो आपको पता ही लग गया है कि क्राइम के अगेंस्ट में, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो मिलाप जावेरी साहब हैं उन्होंने इसमें बेहतरीन मसाला डाला है, यानी कि जो 90s की फिल्मों में 80s की फिल्मों में आपको दिखाई देता था। एक तो 4-5-6 गाने इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा फिल्म की जो लेंथ है वो भी पुरानी फिल्मों की तरीके से है। ऐसा सुनने में आया था कि फिल्म बहुत लंबी बनी थी, लेकिन उसको एडिट करने के बाद भी फिल्म करीब 2.25 घंटे की है। तो आपको लेकिन फिल्म बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि हल्की सी फिल्म ड्रैग हुई है, लेकिन आपको पूरा इंटरटेनमेंट मिलेगा और आप फैमिली के साथ देखने जाएंगे तो जो आपके बच्चे होंगे उनको भी पसंद आएगी फिल्म और आप लोगों को भी पसंद आएगी। अब मैंने मिलाप जावेरी की बात की तो आपको बता दें कि उन्होंने सबका ख्याल रखा है, यानी कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी वो लेके चले, उनके प्रति भी सिंपैथी है, इसके अलावा हिंदू वर्ग के प्रति भी सिंपैथी है, सिख को भी दिखाया है, और जो गाने डाले हैं वो भी सिचुएशनल है, यानी देश का गाना भी डाला है उन्होंने, इसके अलावा नोरा फतेही का एक आइटम सॉन्ग भी डाला है, इसके अलावा करवा चौथ का गाना भी है, भक्ति गीत भी है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, यानी कि एक बार तो आप ये फिल्म देखेंगे ही देखेंगे ज़रूर, और आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, यानी कि आप फैमिली के साथ जाएंगे और फिल्म भी देखेंगे, डिनर भी करेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। और मिलाप चूंकि थोड़ा सा पुराने पैटर्न को लेकर चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होने चाहिए जो उन फिल्मों का मज़ा भी हमें दे सके। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको लाउड एक्टिंग देखने को मिलेगी, और वो लाउड एक्टिंग उस फिल्म की डिमांड है। अगर वो वैसे एक्टिंग नहीं होगी तो आपको सेटल एक्टिंग में मजा नहीं आने वाला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जॉन अब्राहम ओरिएंटेड फिल्म है, तो जॉन साहब को तो भरपूर दिखाया ही जाएगा। जॉन ट्रिपल रोल में है और तीनों रोल
उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से किया, यानी कि एक जॉन इंस्पेक्टर बने हैं, एक जॉन नेता बने हों, मिनिस्टर बने हैं, इसके अलावा जो उनके फादर हैं वो भी देशभक्त रहे हैं। तो तीन जॉन इसमें आपको दिखाई देने वाले हैं मस्कुलर बॉडी के साथ में, और एक्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे, और बहुत ही खूबसूरत बॉडी उन्होंने दिखाई है, साथ में डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी की है। लेकिन जैसा कि पहले के एक्टर्स उस कैरेक्टर में बहुत वेरिएशन दे देते थे जो पुराने एक्टर्स थे, और सभी एक्टर्स नहीं ऐसा कर पाते थे, कुछ ही एक्टर्स थे जैसे अमिताभ बच्चन साहब, उस तरीके का वेरिएशन जॉन देने में बहुत सक्सेस नहीं रहे हैं। कई जगह ऐसा लगता है कि हम सेम जॉन को देख रहे हैं, बस उनका पहनावा अलग है, लेकिन कुल मिला के एक्टिंग उन्होंने अच्छी की है, तो जॉन की एक्टिंग अच्छी है। दूसरे नंबर पे जो इस फिल्म की हीरोइन है वो टी सीरीज की मालिक है, यानी कि दिव्या खोसला, और आपको पता होना चाहिए कि टी सीरीज की फिल्म है। दिव्या फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है, लेकिन जो उनका अभिनय है वो आपको एवरेज लगेगा। हर्ष छाया साहब मंत्री के रोल में कमाल करते हैं, बहुत ही नेचुरल नज़र आपको आएंगे हर्ष छाया साहब। इसके अलावा ऋतु राज जी ने भी अपना अभिनय का जो पक्ष था, जितना भी उनका रोल था, उनका छोटा रोल था, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। गौतमी कपूर जो कि जॉन की माँ बनी है, उन्होंने बहुत शानदार किरदार अपना निभाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतू पांडे जो कि जिनका मंदिर में सीन है और उनकी बच्ची सीढ़ियों से गिर जाती है, उन्होंने कमाल का अभिनय किया है, और आपको बहुत ही नेचुरलिटी नज़र आएगी। जो वो फफक के रोई हैं ऑटो के पास में, तो आपको वो छू जाएगा अंदर तक की। और संदीप यादव ने भी अपना अभिनय बहुत बेहतरीन किया। संदीप यादव आपको जो कट्टर हिंदू पेंशन अधिकारी होता है उसके रोल में नजर आए हैं, और उसके बाद जॉन अब्राहम साहब उनकी खूब क्लास लेते हैं, दांत तक की तोड़ देते हैं, तो उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। अब आपको फिल्म में नजर आएगा एक मोटा सा पुलिस वाला, जिसका पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोमो चार में, क्योंकि प्रोमो चार ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। इंटरवल के बाद उस एक्टर की परफॉर्मेंस आती है, और पूरी फिल्म में अगर कहीं पर कॉमेडी पैदा हुई है तो उस सीन में ही पैदा हुई, और वो सीन थोड़ी देर आपको रोक कर रखेगा, और आप एक्शन से थोड़ा सा दूसरे जोनर पे चले जाएंगे। है वो भी एक्शन सीन, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा कॉमेडी सीन है, और उस एक्टर यानी कि अर्पित मिश्रा बाबा ने वो कमाल का सीन किया है। जहां जहां पर भी उनका चंक आया है वो आपको बेहतरीन अभिनय करते नजर आएंगे। और इसके अलावा नवल शुक्ला जिन्होंने अपना किरदार निभाया है पहले वाले जॉन अब्राहम के साथ, यानी कि जो उनके फादर के साथ था, वो भी अपना अभिनय सफल रूप से कर पाए हैं। और इसके अलावा मुस्लिम के कैरेक्टर में जब कब्रिस्तान में एक सीन होता है, तो वहाँ पर सैफ भी अपना किरदार बहुत खूबसूरती से करते नजर आए हैं। यानी कि जितने लोगों ने भी एक्टिंग की है, सबने अपने अपने किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है। फिल्म एंटरटेन तो करती है। अच्छा, फिल्म की मैं एक बात और करना चाहूँगा कि फिल्म का जो म्यूजिक है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि म्यूजिक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पुरानी फिल्म्स होती थी उनका जो म्यूजिक होता था, वो लोग म्यूजिक पे बहुत काम करते थे, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था। अभी की वेब सीरीज में या कई सारी फिल्मों में वो चीज़ नदारद नज़र आती है, तो इस फिल्म में आपको पुरानी फिल्मों की तरह जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। सीन को इन्हांस करता है वो म्यूजिक। पहले की फिल्मों में भी आप देख लीजिए कि अगर विलेन भाग रहा है और जीप पीछा कर रही है उसकी हीरो की, तो उस सीन को बिल्ड करते थे म्यूजिक से, तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है मिलाप जावेरी साहब ने। तो कुल मिलाकर जो सीन्स जितने भी बन पड़े हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक से बहुत खूबसूरत बने हैं। इसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी फिल्म की बहुत अच्छी है। सीन्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। बनारस आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा। बनारस में इससे पहले भी काफ़ी फिल्में शूट हो चुकी हैं, लेकिन जो आपको सीन्स लगाए गए हैं, जो ड्रोन से सीन लिए गए हैं, जो लार्जर सीन्स दिखाए गए हैं, वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग लखनऊ में भी हुई थी। लखनऊ में की भी जो लोकेशंस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, कैमरे में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी तरीके से सीन लिए गए हैं। तो ये तो फिल्म के बारे में जो जो चीज़ें पॉजिटिव थी वो मैंने बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म में क्या चीज़ें हैं जिनकी कमी थोड़ी सी खलती है। दोस्तों, 80s-90s के दौर की याद दिलाती है ये फिल्म। ये बात मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ,
लेकिन फिल्म शायद काफ़ी लंबी बन गई थी तो उसको एडिट करके 2.25 घंटे के लाया गया है, इसलिए कहीं कहीं पर जो है फिल्म थोड़ा सा ड्रैग होती है। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि आप इसको एकदम रियलिस्टिक अप्रोच से जोड़कर मत चलिएगा, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट भी है। तो आपको कुछ सीन्स ऐसे दिखाई देंगे कि आप पहले की फिल्मों में जैसे होता था, जैसे जॉन अब्राहम एक जगह पे दोनों भाई मिलके, जो दोनों जुड़वा भाई हैं, वो मिलके हेलीकॉप्टर को रोक लेते हैं और उसको उड़ने नहीं देते। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको पुरानी फिल्मों का पैटर्न मिले। लेकिन अगर आप हॉलीवुड में भी देखेंगे तो हॉलीवुड में भी फैंटासी फिल्में बनती हैं और इस तरीके के सीन्स दिखाए जाते हैं। तो ये इंटरटेन करने के लिए डायरेक्टर डालते हैं, कई बार पब्लिक ये कहती है कि ये क्या दिखा दिया, लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी जानते हैं कि पब्लिक को यही चीज़ें मजा देंगे। कुछ चीज़ों का मिक्सचर भी किया गया है, कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि जो जॉन का कैरेक्टर अपरिचित फिल्म आई थी उससे थोड़ा सा इंस्पायर है, कभी लगता है कि शहंशाह जो अमिताभ बच्चन की आई थी उससे भी थोड़ा सा इंस्पायर है, लेकिन डायरेक्टर ने महसूस नहीं होने दिया। अगर आप बहुत डीपली देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो कहीं कहीं पर फिल्म ड्रैग हुई है। इंटरवल का जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा सा आपको लेकर चलता है कि लगता है कि फिल्म नॉर्मल, लेकिन इंटरवल के जो सेकेंड हाफ है वो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत कॉम्पैक्ट हो गई वहाँ पे फिल्म और वहाँ पे स्पीड भी निकल के आती है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म एक बार देखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद सिनेमाघर खुले हैं और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको सत्यमेव जयते 2 जाना चाहिए। अब रही रेटिंग की बात, तो मैं इसमें जो स्टार दूंगा वो अभिनय के लिए भी स्टार दिए जाएंगे, म्यूजिक के लिए भी दिया जाएगा, गानों के लिए भी दिए जाएंगे। जहाँ पे फिल्म ड्रैग करी है और जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो उसके मैं केवल 1.5 पॉइंट काटूंगा, यानी कि मैं 5 में से इस फिल्म को देता हूँ 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो आप मेरा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी फिल्म के किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।